इन्होंने अपने इमाम से सर बोला कि खुदा को गवाह रखना, तो वह खुदा ने काफी कफिरों से मार दिया। जब ही कभी मुसलमानों के साथ मोबिलिटी हुई, लोगों ने समझा कि इसलिए हो रही है कि हम हिंदुस्तान में हैं, कि भूल जाओ हिंदुस्तान में तो ख्वाजा गरीब नवाज भी थे, वैसे वक्त में आए थे कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था, मगर 90 लाख को मुसलमान उन्होंने बनाया, और आज तो 90 लाख नहीं 30-40 करोड़ मुसलमान है। हाल तो आज हमारे अच्छे हैं, कल तो बहुत बदतर थे, मगर उस वक्त हम आज हो रहे हैं, बदनाम तो आज हम हो रहे हैं। वजह क्या है जानते हैं? वजह सिर्फ इतनी है, हमने अपने मिशन को, अपने मकसद को समझा कि हमारा मकसद ये है कि खाओ, हमारा मकसद ये है किसी मछली से नान गोश्त मिल जाए खाओ, हमारा मकसद ये है कि महफिल जलसे में बिरयानी मिल जाए तो खाओ, हमारा मकसद ये है कि नजर नियाज करो, हमारा मकसद ये है कि दरगाहों में और रोजे में जाओ। ये हमने अपना मकसद बना लिया। ताजियादारी आप भी करते हैं, बस मैं अपनी बात को खत्म करने लगा, शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे। ताजियादारी आप भी करते हैं, ताजियादारी हम भी करते हैं, इसलिए करते हैं। कोई है तो जवाब दे, इसलिए करते हैं। मौला हुसैन अगर कयामत में पूछ ले तूने मेरी ताजियादारी की क्यों की, तो हम गुनहगार आशिक कहेंगे मौला हुसैन हम ताजियादारी आपकी हमने इसीलिए की, आपने शरीयत बचाई, आपने कुरान बचाया, आपने नमाज बचाई, आपने दीन बचाया, आपने सलाम बचाया। तो तुम जब कहोगे ये बात तो मौला हुसैन अगर कह दे किस दिन की बात करता है, वो दिन जो तेरे घर में है, किस शरीयत की बात करता है, वो शरीयत जो तेरे घर में है, किस मजहब की बात करता है, मैंने कौन सा मजहब बचाया है जो तेरे घर में, तो तुम क्या कहो? हाँ मौला हुसैन, जो हमारे घर में जो टूटी फूटी नमाजें हैं, हमारे घर में जो टूटा फूटा मजहब है, दीन है, यही इसी की आपने हिफाजत की। फिर तुमने तो मौला हुसैन की कुर्बानी को बहुत कम बता दिया, बहुत गिरा समझ बता दिया। अगर मौला हुसैन फिर ये कह के अच्छा बताओ मुझे यजीद और मुझमें क्या फर्क है, आशिक हुसैन है आप भी हम भी कहेंगे या हुसैन, यजीद तो लंबे नमाजी था, यजीद तो जिनाकार था, यजीद तो बदखार था, यजीद तो बेकार था, यजीद तो दुनिया भर का कुंडा बहुत बुरा आदमी था, तमाम बुरियां उसकी बयान करेंगे जो जो उसने की, यजीद तो बंदरों का नाच करवाया करता था, मिंबरों पे इशारा पिलवाया करता था, सारी बयान कर देंगे। तो फिर हुसैन अगर पूछ ले जिना तो तू भी किया था, नमाज तो तू भी नहीं पढ़ता था, शराब तो तू भी पिया करता था, जुआ तो तू भी खेल रहा है, तो फिर कैसे तू मेरा मानने वाला हो गया, तू यजीद के सारे काम कर रहा है। और यहां पे मेरे बड़े अब्बा जनाब करीम अशरफ वो एक जुमला कहते थे कि हम काम कर रहे हैं यजीद की फैक्ट्री में और पंखा लेना चाहते हैं हुसैन से, तो ये हार हो गया। तो अब आप दिल में हैद करें और अपने रब से वादा करें कि मौला तूने हमें हम इबादत के लिए कर, हम इबादत करें। अब ये ना समझ लेना इबादत से नमाज पढ़ना भी है, इबादत से रोजा रखना है, हज करना, जकात करना, नहीं इबादत ये नहीं है। इबादत ये है किसी गरीब की मदद करना, किसी बेवा के सर पर शफकत का हाथ रखना, किसी छोटे को उससे ज्यादा इज्जत दे देना, बड़ों का एहतराम करना, इल्म वालों की मजलिस में बैठा उनका एहतराम करना, इबादत ये सारी चीजें हैं। इबादत तो अली का जिक्र करना भी है। और मौलवियों ने कहा कि मिसबा कर रसूल की सुन्नत है, मिसबा कर रसूल की सुन्नत है, कभी ये नहीं कहा कि या अली कहो रसूल की सुन्नत है। जानता है कि मिसबा का मां अगर ये कहेगा मिसबा करना सुन्नत है, ये छोड़कर वो ये कहेगा या अली कहना सुन्नत है, तो उसकी मिसबा की दुकान तो बंद हो जाएगी, वो चलेगी कैसे? तो मिसबा करना सुन्नत है, मिसबा करना सुन्नत है। ऐसे मौलवियों से बचो, क्योंकि हम मौलवी के मानने नहीं मौला के मानने वाले। याद रखोगे कि खान का शाह नजमुद्दीन कुबरा से कोई सूफी आलिम आया था, उसने हमको बताया कि असल में मौलायत क्या है और मौलवियत क्या है। अब मैं आखिरी बात करता हूं, अब आपके गांव में कोई गैर मुसलमान आपके पास आए और कहेगा कि जनाब मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मैंने इस पर रिसर्च किया है, इस्लाम बहुत बेहतरीन मजहब है, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मुझे वो किताब देना समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कि जिस किताब को सारे फिरके मानते हो, मैं जानता हूँ तुम लोगों में बहुत फिरके बनते हैं, तो मुझे बताओ
अबे सभी लोग बैठे हैं, क्या कौन सी किताब उस शख्स को देंगे इस्लाम समझने की? कौन सी किताब देंगे? कौन सी किताब देंगे उसको इस्लाम समझने के लिए? कुरान। कुरान एक ऐसी किताब है सारे फिर के उसको मानते पढ़ते तो कुरान देंगे ना। बताए कौन सी किताब देंगे? पूरा मजमा बताए कौन सी किताब देंगे? कुरान देंगे। क्यों देंगे उसको? इस्लाम समझने के लिए। अगर वही गैर मुसलमान कह दे क्या यही कुरान को कभी तुमने समझा है इस्लाम समझने के लिए, इसी कुरान को कभी तुमने पढ़ा है मजहब इस्लाम समझने के लिए, तब तुम क्या? अरे यार हम दिल्ली में थे, काम पे थे, गरीबी थी, ये थी वो थी, हम कुरान को पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो बताओ तो गैर तो फिर कैसे इस्लाम में था? गैर लोग कैसे हमसे इबरत हासिल करें, कैसे वो हमसे सबक कर लेंगे, कैसे वो हमारे साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमान बनकर हमारे साथ जुड़कर हमारे मिशन को बढ़ाएंगे? ख्वाजा मेरी नवाज संजर से आए थे, ईरान के करीब है ये शहर, अकेले आए थे, न तलवार न बौछार न तीर कुछ भी नहीं आए थे। तो बाबा जहीरुद्दीन आया तो था, महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद बिन कासिम तालिब ने इनके जंगी कारनामे बताए थे, मगर मैं कहता हूं कि इनके कारनामे क्यों नहीं बताए गए कि जिन्हें उन्होंने कभी ये किया हो किसी को मुसलमान बनाया हो? ये कारनामा नहीं आया क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने अपने लोहे की तलवार से अपनी जमीन को मजबूत की करने के लिए वो अपने घर को छोड़े हिंदुस्तान चले, और आज भी बदनाम हो रहे हैं, और हमको भी नहीं समझ आता ये लोग बाहर से आए हैं। मगर ये ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तीर नहीं था, तलवार नहीं था, मगर अहले बैत का वो पूरा कैरेक्टर इनमें समाया हुआ कि जो भी देखता बोलता कि जब ये गुलाम ऐसा है तो इसका हक कैसा होगा, ये जब मानने वाला ऐसा है तो ये जो इसको मानता होगा वो कैसा होगा, ये जब आबिद ऐसा है तो इसका माबूद कैसा होगा, ये जब मखलूक ऐसा है तो इसका खालिक कैसा होगा, ये जब साजिद ऐसा है तो इसका मस्जिद क्या होगा। उन लोगों ने फिर ख्वाजा गरीब नवाज के कैरेक्टर को देखा, पसंद किया और मुसलमान बनते गए। 90 लाख मुसलमान मामूली बात नहीं है, तुम 9 को मुसलमान करके बताओ तो मैं मान जाऊं कि तुमने कोई बड़ा काम किया है, 90 लाख को मुसलमान बनाऊ ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमको जरूरत क्या चीज पर है वो बता देता हूँ। जरूरत आज हमको अगर है तो इस अहले बैत के कैरेक्टर को अपनाने की, इनके कैरेक्टर को अपनाने की और उस पर ढलने की और जिंदगी गुजारने की, ये अगर हम कर ले जाए, अगर किसी वक्त हम फर्श अजाब पे नहीं भी बैठते हैं, मैं कहता हूं सवाब तुम्हारा बरोबर तुमको मिलता रहेगा, सवाब तुम नहीं होगा अगर तुम्हारा किरदार अहले बैत के किरदार से मिल गया। लेकिन अहले बैत के किरदार से तुम अपने किरदार को मिलाओगे तो ये ना समझ लेना कि तुम सलमान फारसी बन जाओगे या फिस्सा बन जाओगे, वो किरदार अलग है, वो कैरेक्टर अलग है, वो जात अलग है। लेकिन ये तो है कि हम इमाम तो नहीं, इमाम के गुलाम तो कहलाएंगे, है कि नहीं? किसी को नाज होगा बादशाह होने का, किसी को नाज होगा राजा होने का, हमको तो नाज इसी बात है कि हम अहले बैत के गुलाम, तो नाज इसी बात को होना चाहिए। और जब नाज है इसी बात पर, हमको फॉलोवर भी इसी बात पर, इसी लोगों का बनना चाहिए। आज कहीं मौलवी कहते हैं